मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हम लोग मनाली में रुके हुए हैं। कल नाइट को हम मनाली पहुंच आए थे, मनाली में अभी यही होटल में रुके थे। फिलहाल मॉर्निंग का टाइम है, नहा धो के सब लोग रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट के लिए सब तैयार हैं। और यहाँ से फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर पहाड़ों के ऊपर। अभी ये नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ये कुछ ब्रेकफास्ट में पोहा और क्या है भाई, परोठे और परोठे है ब्रेकफास्ट के लिए। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा ऊपर चलेंगे गाड़ी के, गाड़ी लेके जाएंगे मनाली हिल स्टेशन, मतलब पहाड़ों के ऊपर। काफी सारी मस्ती करने वाले। और आज हमारा सैम भाई का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू भाई। तो हम काफी पार्टी वार्टी भी करेंगे, काफी एंजॉय करेंगे। तो आप इस ब्लॉग में हमारे साथ बने रहे, अभी हम नाश्ता कर लेते हैं सभी। फिलहाल नहा धो के नीचे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सब नीचे आ गए हैं और ये हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है। अब जाएंगे पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों की मजे लेंगे, वादियों के ऊपर। हम सब लोग कंप्लीट होके अब यहाँ से निकल रहे हैं। रवि भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है फिलहाल के लिए, अभी जा रहे हैं गाड़ी में। गुड मॉर्निंग रवि भाई, हाय बोल दो भाई। चलो भाई निकल रहे हैं। पॉइंट पे गाइस हम लोग पहुंचा है। पीछे एक साइड आप देख सकते हो बर्फ ही बर्फ है। तो हम लोग अभी यहाँ से जूते वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद ऊपर की साइड चढ़ेंगे। तो हम लोग अभी आ गए हैं, रवि भाई हमको यहाँ पर लेके आए हैं। हाय रवि भाई। हेलो गाइस। तो हम लोग यहाँ से जूता वगैरह जो भी है, क्योंकि सर्दी के यहाँ बर्फ है इसलिए बहुत ठंड पड़ता है, तो उसके सेफ्टी कपड़े रहते हैं तो लेने होते हैं। तो हम लेने के बाद ऊपर चढ़ेंगे और पीछे एक साइड बर्फ देख सकते हो, तो हम वहाँ पर जाएंगे ऊपर की साइड। ऐसे कपड़े और जूते लेने पड़ते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ठंड पड़ती है। हम लोगों ने फिलहाल ले लिया है और ले के आगे बढ़ेंगे, जाएंगे ऊपर की साइड। पीछे की साइड देखिए, ऊपर जाना है, अभी 10 किलोमीटर है ऊपर जाने के लिए। फाइनली हम मनाली पहाड़ियों के बीच आ गए हैं। देखिए आप हमारे पीछे एक साइड पूरी पहाड़ियों,
और पूरे बीच में हम हैं, पार्किंग है यहाँ पर गाड़ियों का। हाय ये संभी, ये पूरा एरिया आप देख सकते हो, पूरा बर्फ ही बर्फ है पूरे में। काफ़ी ठंड भी है, हाथ थोड़े बहुत वो हो चुके हैं। फाइनली हम लोग जहाँ, ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, लाइफ में पहली बार ऐसा नज़ारा देख रहे हैं। हम लोग यहाँ गाड़ी पार्क करके मैं आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगा, तो आप इस ब्लॉग में बने रहें। काफ़ी खूबसूरत है ये पूरा पार्किंग, आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पार्किंग है। तरफ बर्फ ही बर्फ है। अब मेरे ऊपर की साइड आप बर्फ देख सकते हो, चारों तरफ बर्फ है। काफी खूबसूरत नजारा है, जैसे कि हम स्वर्ग में घूम रहे हैं वैसी फीलिंग आ रही है। यहाँ अभी फोटोग्राफी के लिए कैमरा वगैरह निकाल रहे हैं, यहाँ काफी टाइम बिताएंगे, काफी मस्ती करेंगे। मस्ती करने के लिए तो आए हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहें, खूब सारी मस्ती करेंगे। यार काफ़ी शब्दों में बोल नहीं सकता हूँ, इतनी खूबसूरत जगह है, जैसे कि पूरे स्वर्ग में घूम रहे हैं। देखिए क्या माहौल है, क्या जबरदस्त फीलिंग आ रही है। भावेश आ जा भाई इधर, ये पूरे बर्फ के बारे में क्या बोलेगा, एरिया के बारे में? बहुत मजा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, जैसे स्वर्ग में घूम रहे हैं ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ। मतलब शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते हैं कि यार क्या नज़ारा है, क्या बात करें। गाइस बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रही है। हमने कपड़े भी, स्वेटर वगैरह खरीदी तो की लिए, वहाँ से लिए हैं किराए पे, मगर पहने नहीं है क्योंकि फोटोग्राफी फोटोशूट करवाना था, इसलिए पहने नहीं है। सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। भावेश कितनी ठंड है, भावेश बहुत ठंड है इधर तो। हम लोगों ने कपड़े लिए मगर फिलहाल फोटोशूट के लिए नहीं पहने हैं, बाद में पहनेंगे, जाएंगे बर्फ के अंदर तब पहनेंगे।